जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम कवर करने वाले 24 मई के करंट अफेयर्स और यहाँ पे जानेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब भी हाल ही में नीरज चोपड़ा मेक्स हिस्ट्री, बिकम वर्ल्ड नंबर वन। ठीक है, वर्ल्ड नंबर वन पे आ चुके हैं इन मेंस जेवलिन रैंकिंग। ठीक है, अगर आपसे बहुत बार सीडीएस ने ये क्वेश्चन पूछा है कि नीरज चोपड़ा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो आप पुराने पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? जेवलिन थ्रो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अब तो पहले बहुत लोगों को पता नहीं था, बट अब तो नीरज चोपड़ा एक डिमांडेड प्लेयर है तो आपको सबको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? डायमंड दोहा लिंक। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, कौन सी? डायमंड दोहा लीग। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और आपको क्या क्या पता होना चाहिए मैं बता देता हूं। जो इनने जिसको पीछे छोड़ा है, ठीक है, जिनने सरपास किया है नीरज चोपड़ा ने जिनको, वो कहां तक के थे? ग्रेनेडा। ठीक है, ग्रेनेडा। और उनका नाम क्या है? एंडरसन पीटर्स। ठीक है, एंडरसन पीटर उनका नाम है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, एंडरसन पीटर। और ये ग्रेनेडा कौन सी कंट्री है? पहली बार सुनी है क्या? चलो हाँ, पहली बार सुनी है। तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है सेंट जॉर्ज। ठीक है, अगर आपसे गलती से पूछ ले कि ये ग्रेनेडा भाई कौन सी कंट्री है, इसका कैपिटल बताओ, तो इसका कैपिटल है सेंट जॉर्ज। और ये कैरिबियन सी के नियर बाय है। ठीक है, इतनी लोकेशन जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये ध्यान रख सकते हैं कैरिबियन सी के नियर बाय ये कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टू होस्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है स्क्वैश वर्ल्ड कप, ठीक है, 2023। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये होस्ट करने वाली है चेन्नई तमिलनाडु में ये होस्ट होने वाला है इस बार। और अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरभ घोषल, ठीक है, सौरभ घोषल प्लस ज्योत्सना चिनप्पा, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड? ये है स्क्वैश से रिलेटेड। ठीक है, स्क्वैश से ये रिलेटेड है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और कौन कौन सी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? अराउंड 8 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है चेन्नई में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी महाराणा प्रताप लॉक विल बी कंस्ट्रक्टेड। जैसा कि आपको पता है, महाकाल लोक आप सबने सुना होगा, जो उज्जैन में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापना की गई थी। तो अब ये महाराणा प्रताप लोक ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है मध्य प्रदेश भोपाल में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस है। कहाँ पे किया जा रहा है? मध्य प्रदेश भोपाल में महाराणा प्रताप लोक। तो ये चीज आप ध्यान रखने वाले हैं। अगर मैं महाराणा प्रताप जी की बात करूं, तो ये कौन सी डायनेस्टी से थे? तो ये थे सिसोदिया डायनेस्टी। ठीक है, बहुत बार एसएससी वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। और ये कहाँ के थे? मेवाड़ के, मेवाड़ राजस्थान के। ठीक है, और अकबर के विरुद्ध कौन सा इनने बैटल जीता था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, सबको याद होगा ये बैटल। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कौन से ईयर में हुआ था? ये भी पता होना चाहिए, 1576 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो क्या महाराणा प्रताप लोक कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री मैंडेट्स वार्निंग लेवल ऑन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम वार्निंग लेवल दी है अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे, तो कौन सी कंट्री ने दी है? वो दी है आयरलैंड ने। ठीक है, आयरलैंड ने फर्स्ट टाइम वार्निंग लेवल दी है जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, तो उन पे दी गई है वार्निंग लेवल, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका कैपिटल क्या है आयरलैंड का, तो इसका कैपिटल है डबलिन। ठीक है, आपको ये जरूर याद होगा, डबलिन, तो ये याद रख सकते हैं। और आयरलैंड बना है फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट कॉम्प्रेंसिव हेल्थ वार्निंग लेवल्स ऑन अल्कोहलिक बेवरेजेस। जैसे इंडिया में सिगरेट पे आती है, ठीक है, उसी टाइप पे अब अल्कोहलिक पे आएगी आयरलैंड कंट्री में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश यूएस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन चट्टाग्रोम, चट्टाग्रोम में ये एक्सरसाइज होने वाली है, चट्टाग्राम में ये एक्सरसाइज होने वाली, तो ये कहाँ पे है? पहले तो ये बता देता हूँ, ये है बांग्लादेश में। ठीक है, आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा चट्टाग्राम पोर्ट वगैरह ये सब चीजें, तो ये कहाँ पे? ये है बांग्लादेश में। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो इसमें इंडिया तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बट इस बार आपके एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था दूसरी कंट्री की जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अपन को जो दो तीन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो भी अपन को देखना पड़ेगी, जिसमें भले इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट अपन को याद रखना पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है टाइगर शार्क 40, टाइगर शार्क 40, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है यूएसए प्लस बांग्लादेश। ठीक है, और ये होस्ट कौन कर रहा है? ये होस्ट कर रहा है बांग्लादेश। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और इसमें और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइगर शार्क 40 आपको ये एक्सरसाइज जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टू कमेंस खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन होस्ट करने वाला है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है चलो, तो ये कौन होस्ट करने वाला है? ये होस्ट करने वाला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसका मैस्कट क्या है? इसका मैस्कट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका मैस्कट क्या है, तो इसका मैस्कट है जीतू, जीतू भैया इसके मैस्कट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है जीतू? ये जीतू रिप्रेजेंट करता है स्वाम्प डियर। ठीक है, स्वाम्प डियर, और स्वाम्प डियर मतलब आपको पता ही होगा बारहसिंगा बोलते हैं स्वाम्प डियर को, है ना? और ये स्टेट एनिमल है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दिस इज द डिजायर टू लर्न जो कनेक्ट करता है डॉट्स को, इस टाइप से अगर कनेक्ट करने लगोगे आप डॉट्स को तो आप डेफिनेटली हर एक करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है चलो, अगर मैं बात करूँ खेलो इंडिया गेम्स, ये तो यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो गई, अब मुझे याद आ रहा है खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे हुआ था, क्योंकि अभी सीएपीएफ का पेपर है उसके लिए भी अपन थोड़ा कर लेते हैं। तो खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और इसे टॉप किसने किया था? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने इसे टॉप किया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा चलो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, एक गेम और इम्पोर्टेंट है जो अभी अक्टूबर में होने वाला है, नेशनल गेम्स, नेशनल गेम्स अभी होने वाला है अक्टूबर में, ये कौन होस्ट करने वाला है? ये होस्ट करेगा गोवा। ठीक है, गोवा होस्ट करेगा, और इसका मैस्कट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैस्कट क्या? इसका मैस्कट है सैवेज। ठीक है, तो ये आप ही ध्यान रख सकते हो, और इसमें आपको क्या याद रखना है? अच्छा, ये कौन सा एडिशन है? ये है 37th एडिशन। ठीक है, और 36th एडिशन कहाँ पे हुआ था? 36th एडिशन हुआ था अपना गुजरात में। ठीक है, गुजरात में हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज द वे टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज हैंडेड ओवर 20 रोड फास्ट लोकोमोटिव टू विच कंट्री, बीजी 20 बीजी लोकोमोटिव दिए, कौन सी कंट्री को दिए ये? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं हाल ही में इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन कौन सी कंट्री के साथ स्टार्ट किया था भारत ने? सबको पता है, ठीक है, सबने सीडीएस के लिए ये पढ़ा हुआ था, तो कौन सी कंट्री के साथ किया था? ये किया था बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ किया था, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब 20 बीजी किसको दिए हैं? 20 बीजी लोकोमोटिव दिए हैं किसको? बांग्लादेश को। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा ये बीजी होते क्या है, आपने एक सुना होगा मीटर गॉज, मीटर गॉज और स्टैंडर्ड गॉज, है ना, और होता है ब्रॉड गॉज। ठीक है, ये कितने फीट का होता है? ये अराउंड होता है 3 फीट का, ये होता है 4 फीट का, और ये होता है 5 फीट का। ठीक है, ये आप एक बार एडिशनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसमें और कुछ आपको याद नहीं रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर कॉमनवेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन, ठीक है, कॉमनवेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड नॉर्मली तो 13 मार्च को किया जाता है। ठीक है, मार्च 13 को ये किया जाता है,
बट इंडिया और अदर कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं जो ये मनाती हैं 24 मई को, ठीक है। तो अपन को तो ये याद रखना है कि 24 मई को क्या मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे, ठीक है। कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है 24 मई को। अगर मैं बात करूँ इसकी थीम, इसकी थीम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है फॉर्गिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इसकी थीम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या बताऊं मैं, अच्छा कॉमनवेल्थ में टोटल कंट्रीज कितनी है, टोटल कंट्रीज अगर आपको पता है तो मैं बताता हूँ, 54 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। और कॉमनवेल्थ एग्जैक्टली ग्रुप है क्या, कॉमनवेल्थ ग्रुप बस इतना सा है जिसमें ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने रूल किया था, ठीक है। ब्रिटिश ने जहां जहां रूल किया था वो है कॉमनवेल्थ ग्रुप, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। और 2023 यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, इनके गेम्स भी होते हैं, तो ये कहाँ पे होने वाले हैं, ये होने वाले हैं ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में, ट्रिनिडैड ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में। तो ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं अगर आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदेव सिरोंकर हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताइक्वांडो एग्जीक्यूटिव कमिटीज फ्रॉम विच स्टेट, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये कहाँ से है, ये है महाराष्ट्र से। आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन चुने गए, तो वो चुने गए नामदेव सिरोंकर, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ जो वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप होने वाली है 2023, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि जो वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है, वो होने वाली है अजरबैजान में, ठीक है, अजरबैजान में। अजरबैजान में कहाँ पे, ये होने वाली बाकू में, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा करंट अफेयर्स में अजरबैजान बाकू, ठीक है। तो ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ पे होने वाली है, अजरबैजान बाकू में, और ये कल से ही चालू होने वाली है मई 25 में, है ना। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन रीइलेक्ट हुआ है, कौन प्रेसिडेंट बना है, बट आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीवा, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। फीवा, फीवा के कौन बने हैं प्रेसिडेंट, तो ये चुने गए डॉक्टर के गोविंद राज, ठीक है। तो डॉक्टर के गोविंद राज, ये आपको नाम याद रखना है, कांग्रेस एमएलसी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। फीवा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, तो इसके कौन बने, इसके बने हैं डॉक्टर के गोविंद राज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यू प्रोग्राम इज लॉन्च बाय यूजीसी, ठीक है, उसका आपको नाम बताना है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एनईपी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी सारथी, ठीक है, सारथी इसको नाम दिया गया है, काफी अच्छा नाम दिया गया है। तो ये आपको बताना था कि इसका नाम क्या दिया है, ठीक है, इसका नाम दिया है एनईपी सारथी, ठीक है। बस आपको और इसमें कुछ याद नहीं रखना है, इम्प्लीमेंटेशन करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-2020 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा टूरिज्म के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो बनाया गया है सौरभ गांगुली को, ठीक है, दादा को बनाया गया है अभी त्रिपुरा का टूरिज्म एम्बेसडर, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट एम्स टू विड्रॉ आपसा बाय एंड ऑफ 2023। आपसा का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। अच्छा बताओ मुझे कौन कौन से स्टेट्स में आपसा लगी हुई है अभी, तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ, नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये चारों में आपसा अभी लगी हुई है, और कौन सी स्टेट ने बात करी है कि हम आपसा को हटाने वाले हैं, तो वो हटाने वाले हैं असम में से, ठीक है। 2023 के एंड तक आपसा यहाँ पे हट जाएगी,
तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, अभी हाल ही में यहाँ के सीएम ने बोला है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये डिस्टर्ब एरियाज में लागू किया जाता है अंडर द 1958 एक्ट के तहत, ठीक है, 1958 एक्ट के तहत ये लागू किया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्कशॉप फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा विल बी हेल्ड इन विच सिटी, ये कहाँ पे होने वाली है। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसको होस्ट करने वाली है, इसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा को, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वन नेशन वन एप्लीकेशन, ठीक है, वन नेशन वन एप्लीकेशन इसे नाम दिया गया है, तो ये कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये होने वाली है, तो ये आप पॉइंट आप ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल्स ऑफ द इटालियन ओपन 2023। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि वुमेन्स ओपन टाइटल अभी मेंस में जीता और फीमेल्स में किसने जीता है, तो आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओगे। कैरोलिना एलेना आरेना ईगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्विज ऑफ द डे आपके लिए, इंडिया विल होस्ट द क्वाड लीडर समिट इन विच ईयर। पहले तो आपको मुझे क्वाड के मेंबर्स बताना पड़ेगा, क्वाड के कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन है, और आपको बताना पड़ेगा भारत, अपना प्यारा भारत कब होस्ट करने वाला है क्वाड लीडर समिट, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे 2024, 25, 26, 27, ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप डिजायर टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो भी आपकी जो PDFs वगैरह अवेलेबल हो रही है वो आपकी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो रही है, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर अगर आप iOS यूजर हैं आप तो आप वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है, अगर आप iOS यूजर हैं तो हमने वेबसाइट आपके लिए बनवाई गई है, और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।